हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास 31 टेक में। तो फ्रेंड्स, अगर आप फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक पेज बना रखा है आपने कोई, और आप उस फेसबुक पेज का जो लिंक है, जो उसका यूआरएल है, वो चेंज करना चाहते हैं, पर आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं इसका यूआरएल कैसे चेंज करूँ। आप कोई अपना मनपसंद यूआरएल उस पर बनाना चाहते हैं, कस्टम यूआरएल उसका बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको वो बनाना नहीं आता। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने फेसबुक पेज का कस्टम यूआरएल बना सकते हैं, उसे सेट कर सकते हैं। तो वीडियो छोटी सी है पर बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उसे ऑल पे सेट कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे फेसबुक एप्लीकेशन के अंदर हमें जाना है। तो मैंने फेसबुक एप्लीकेशन ओपन कर लिया और अपने अकाउंट में आपको लॉगिन कर लेना है। अब फेसबुक पेजेस के लिए आपको क्या करना है, टॉप राइट में आपको 3 लाइंस जो दिखाई दे रही है, इन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको नीचे पेजेस का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। पेजेस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपके सारे पेजेस आ जाएंगे, जितने भी आपने पेजेस बनाए होंगे जिस नाम से भी। तो मैंने ये बनाया हुआ है टेक्नो, तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो आप एज ए पेज यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको अपने पेज का यूआरएल कैसे सेट करना है, जिसे हम यूज़र नेम भी कहते हैं। मतलब कोई आपके चैनल को अगर आप वो नाम देंगे, मतलब www.facebook.com/, उसके बाद आप वो यूज़र नेम जो आप बनाएंगे, जो लिंक आप सेट करेंगे वो देंगे, तो डायरेक्ट आपका पेज खुल जाएगा। कस्टम यूआरएल आप सेट कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि अभी इसका यूआरएल क्या है, ताकि आपको यकीन हो कि हाँ ये चेंज होता है, कि ऐसे चेंज हम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं, आप दिखाई दे रहा होगा ओवरव्यू, एड्स, नोटिफिकेशन, और उसके बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे ऊपर ही। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा 3 डॉट्स पे, उसके बाद यहाँ पे हम नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे कॉपी पेज लिंक का एक ऑप्शन है, सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं, ग्रो योर ऑडियंस के अंदर नीचे इनवाइट फ्रेंड्स, कॉपी पेज लिंक, शेयर पेज। तो यहाँ से मैं पेज के लिंक को कॉपी कर लूँगा, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं बाहर आ जाऊँगा और मैसेज वाली एप्लीकेशन से आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर उसे पेस्ट कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे जैसे ही उसे पेस्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है www.facebook.com/techno, और यहाँ पे ये इतना सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो इसकी जगह मैं अपना कस्टम यूआरएल बनाना चाहता हूँ, तो वो कैसे बनाऊँगा वो मैं आपको अब सिखा देता हूँ। यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं, उसके बाद वापस अपनी एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे और यहाँ से बैक कर लेंगे। उसके बाद हम इसके इस वाले पेज पे आ गए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्नो के नीचे लिखा हुआ है क्रिएट पेज एट द रेट यूज़र नेम। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अपना लिंक आप कस्टम यूआरएल कैसे बनाएंगे वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एट द रेट यूज़र नेम यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, एट द रेट इसमें ऑटोमेटिक लग जाता है। यूज़र नेम आप कैसे सेट करेंगे, जो इसका लिंक है, जो यूआरएल है, वो सब एक ही चीज़ है। यहाँ पर यूज़र नेम आप कुछ भी अब रखना चाहें वो यहाँ पर रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसका यूज़र नेम, जैसे मैं टेक्नो तो नहीं, कुछ और रख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 5 करेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं कोई भी नाम लिख देता हूँ, जैसे मैं रख देता हूँ टेक्नोलॉजी, लिख देता हूँ मैं टेक्नोलॉजी, उसके बाद 1 2 3 कर देता हूँ आपको सिखाने के लिए। ये भी नहीं आ रहा, ऑलरेडी ले रखा है किसी ने, तो हम कुछ और रख देते हैं, टेक्नोलॉजी 31 रख के देखते हैं, फिर से 31, ये ठीक है, टेक्नोलॉजी 31 31 ये हमने रख लिया। और उसके बाद हमें क्रिएट यूज़र नेम पे क्लिक कर देना है। तो मैंने क्रिएट यूज़र नेम पे क्लिक कर दिया, यू आर ऑल सेट, द यूज़र नेम हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर टेक्नो। ठीक है, यहाँ पे ये क्रिएट हो चुका है, अब मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इसको एक रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं टेक्नो के नीचे ये लिखा आ रहा है टेक्नोलॉजी 3131। ठीक है, तो अब इसका यूआरएल चेंज हो गया है, यूज़र नेम चेंज हो गया है। तो अब आपका जो किसी को लिंक भेजेंगे तो वो कैसे दिखाई देगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो नाम लिखा है वो है टेक्नोलॉजी 3131, तो मैं www.facebook.com/technology3131 लिखूँगा तो मेरा पेज आ जाएगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो उसके लिए हम चलते हैं गूगल पे, तो मैं गूगल एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर अपना लिखेंगे डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू
www.facebook.com, ठीक है, उसके बाद स्लैश, हमें वो सारे वर्ड्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब हम लिखेंगे जो हमने बनाया था टेक्नोलॉजी 3131, उसके बाद सर्च करेंगे, यहाँ पे हम इसी से ही करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वही हमारा टेक्नो वाला पेज ओपन हो गया है, टेक्नो के नाम से जो हमने बनाया हुआ था, ठीक है। और हमने अब अपना यूज़र नेम चेंज कर दिया है, लिंक चेंज कर दिया है, ठीक है, अब हमने स्लैश टेक्नोलॉजी 3131 कर दिया है। तो इस तरीके से आप अपने फेसबुक पेज का जो लिंक है, URL है, यूज़र नेम है, वो आप चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप सीख गए होंगे कि आप किस तरीके से अपने फेसबुक पेज का कस्टम URL बना सकते हैं। अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।